इस तरह अपना खून क्यों बहाना चाहती हैं शहजादी? शहजादी, यह हुस्न की दौलत खुदा हर किसी को नहीं देता, यह तो नेमत है उस खुदा की। तो फिर तुम इस नेमत को क्यों ठुकराना चाहती हो? अपने आप को इतनी तकलीफ क्यों देना चाहती हो? हम अपनी जान देकर इस पत्थर दिल दुनिया से छुटकारा पाना चाहते हैं। शहजादी गुल, जब तक आपने इस दुनिया को देखा ही नहीं तो कैसे कह सकती है कि यह दुनिया पत्थर दिल है? मेरा यकीन मानिए, यह दुनिया बहुत ही खूबसूरत है, आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। तुम कौन हो और क्यों हमारी हिफाजत करना चाहते हो? मैं इसी दुनिया का एक इंसान हूं। ये जख्म आपके माथे पर हुआ है, लेकिन यकीन मानिए, चोट हमारे दिल पर हुई है। हम आपके इस जिस्म पर एक खराश तक बर्दाश्त नहीं कर सकते, यकीन मानिए। तुम कौन हो? ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हमारा अल्लाह जानता है कि तुम हमारी रूह में समाते चले जा रहे, हमारी रग रग में उतरते चले जा रहे। हम एक जिंदा लाश थे, तुमने छुआ तो हमने जिंदगी महसूस की। हमारी तरह हमारे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही। आओ आओ, हमें अपने आगोश में। आप हमारी रग रग में शामिल हैं गुल, हमारी सांसों की धड़कन हैं आप। हम इस चार दीवारी से आपको आजाद कराने ही आए हैं। खुदा के लिए हमें यहां से ले जाओ, जहां खुली वादियां, खुली फिजाएं और आजादी हो। इससे खून बनकर मेरी नसों में बहती हो तुम, रूह बनकर मेरे जिस्म में रहती हो तुम। हैरान हूं इस बात पर, फिर भी जुदा होने की बात कहती हो तुम। गुल, आज हम अपनी जान पर खेलकर भी इस चार दीवारी से आपको आजाद कराकर ही रहेंगे। चलिए। इससे पहले कि हमारी तलवार तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे, हमारी बेटी को छोड़ दे गुस्ताख। बेअदब ताशकंदी सौदागर, तुमने हमारी बेटी के हरम में दाखिल होने की जुर्रत कैसे की? ये ताशकंदी सौदागर नहीं है जहां पना। मतलब तो कौन है ये शख्स जो सौदागर के भेष में हमारे घर में घुस आया? आपके दुश्मन का खून है जहां बना। हमारे दुश्मन का खून? हाँ जहां बना, ये सौदागर नहीं बल्कि सौदागर के भेष में एक बहरूपिया है, बहरूपिया जिसने आपकी इज्जत पर हाथ डालने का गुनाह किया है। ये बहरूपिया सौदागर आपके दुश्मन सुल्तान शहाबुद्दीन का बेटा है। ये हमारे दुश्मन शहाबुद्दीन का बेटा है? हाँ जहां बना, वही शहाबुद्दीन जिसने आपके एक वफादार को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था। वजीर आला, क्या आप सच कह रहे हैं कि ये शहाबुद्दीन का बेटा है? हाँ जहां पना, ये शहाबुद्दीन का बेटा सनोवर है, सनोवर। अगर आपको यकीन नहीं तो पूछिए इससे कि कौन है ये शख्स। सच सच बताओ, कौन हो तुम? आपके वजीर ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, मैं कोहे काफ के सुल्तान शहाबुद्दीन का बेटा सनोवर हूं। तो फिर अभी इसी वक्त इसकी गर्दन कलम कर दी जाए। ये आप क्या कर रहे हैं अब्बा जान? एक मासूम इंसान की गर्दन काट रहे हैं? नहीं बेटी नहीं, ये मासूम नहीं है। ये जो तुम्हारे पास खड़ा है, ये सिर्फ तुम्हारे बाप का दुश्मन है। इसका खत्म हो जाना ही बेहतर है बेटी, हट जाओ। नहीं अब्बा जानी, इसने कोई गुनाह नहीं किया, इसने कोई चोरी नहीं, इसने आपकी बेटी को सिर्फ एक नई जिंदगी जीने का हौसला दिया है। अगर आपको इसे मारना ही है तो आपको मेरे भी टुकड़े टुकड़े करने होंगे। नहीं बेटी, इस वक्त तुम्हारा बाप तुम्हारी कोई फरियाद नहीं सुन सकता। ये आप क्या कह रहे हैं अब्बा जानी?
आप अपनी बेटी की फरियाद नहीं सुनेंगे? एक बेरहम शहंशाह के सामने गिड़गिड़ाना बिल्कुल ठीक नहीं। आपकी फरियाद हमारी जिंदगी से ज्यादा कीमती है। हम आप पर एक जिंदगी नहीं बल्कि हजारों जिंदगियां कुर्बान कर सकते हैं। तो फिर अपनी कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ। हम तैयार हैं शहंशाह औकाफ, आप हमें मौत से ज्यादा कुछ नहीं दे सकते। वजीर आजम, ले जाइए इस नामुराद आशिक को और कल सुबह इसका सर हाथी के पैर नीचे कुचलवा दीजिए, ताकि हमारे दुश्मन शाहबुद्दीन की रूह कांप उठे, उसकी हिम्मत की जड़ें हिल जाएं और वो आइंदा हमसे टक्कर लेने की कोशिश ना करे। ले जाइए इसे। सिपाहियों, ले चलो इसे। कल तलक इस काल कोठरी में बैठकर अपनी मौत का इंतजार करो शहजादे। तुमने अपने दुश्मन की जमीन ओए ख्वाब में कदम रखकर खुद की मौत को बुलावा दिया है। बरसों से पड़ी हुई दुश्मनी की जंजीरें काटने आया हूं मैं। दिल में नफरत की आग लेकर नहीं आया, मोहब्बत का पैगाम लेकर आया हूं मैं। वजीर आजम, हमारी मोहब्बत का एहतराम करो। मोहब्बत? किससे मोहब्बत? भूल से? वो मासूम तो मोहब्बत के नाम से अनजान है, वो कैसे मोहब्बत करेगी? हमने उस मासूम गुल की आंखों में मोहब्बत की चमक देखी है वजीर आजम। उसकी खुशियां उससे मत छीनो, उसे इस चार दीवारी में कैद मत करो, उसे अंधेरे में कैद मत करो वजीर आजम, उसे अंधेरे में कैद मत करो। तुम शायद नहीं जानते सनोवर, उस मासूम को इसलिए कैद किया गया ताकि वो किसी से मोहब्बत ना कर ले। वजीर आजम, अगर गुल को इस महल में कैद किया गया तो इस महल की सारी दीवारें गिरा दी जाएंगी। गुल इस महल में घुट घुट कर अपना दम हरगिज नहीं तोड़ेगी। हम उसे आजाद करा देंगे। शहजादी आलम, आप और इस वक्त यहाँ? हमारा मुजरिम हमारी आंखों के सामने हो तो हमें नींद कैसे आ सकती है? निकालो बाहर सनोबर को। लेकिन शहजादी आलम, आपके इस दुश्मन को कल सुबह सजा दे दी जाएगी। नहीं, हम कल सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकते। हम अपने मुजरिम को अभी और इसी वक्त सजा देंगे। निकालो बाहर सनोबर को। हाँ, शहजादी के मुजरिम को फौरन बाहर निकालो। ये सुल्ताने अली का हुक्म है, शहजादी अपने हाथों से अपने मुजरिम को कत्ल करेगी। अगर सुल्ताने अली का हुक्म है तो हम अभी आपके मुजरिम को आपके हवाले कर देते हैं। चलो चलो कैदी, चलो। तुमने हमारे महल में घुसने की जुर्रत कैसे की? तुमने हमें छूने का जुर्म कैसे किया? इस जुर्म की हम तुम्हें अभी और इसी वक्त सजा देंगे। हम तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जाओ जाके सुल्ताने अली को खबर दो कि शहजादी ने सनोबर का कत्ल कर डाला। हमारे लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। चले जाइए, चले जाइए यहां से, वरना ये लोग आपकी जान ले लेंगे। नहीं गुल, अब हम आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। हम अपना सब कुछ छोड़कर यहां आए थे।
अपनी जान की बाजी लगाकर यहां आए थे आपको इस चार दीवारी से रिहा करवाने के लिए। अब हम आपको यहां से लेकर जाएंगे। हम आपको यहां अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। गुल, तुम गुल की बात समझने की कोशिश करो। सनोवर, तुम यहां से चले जाओ वरना ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब अगर ये लोग हमें मार भी दें तो हमें परवाह नहीं। हमारी जिंदगी अगर गुल को बचाने में कुर्बान भी हो जाए तो इससे अच्छा हमारे लिए और क्या होगा। नहीं सनोवर, नहीं, ऐसा मत कहो। हम इस महल की काल कोठरी से बाहर निकलना चाहते हैं। हम आजाद होना चाहते हैं और ये तभी मुमकिन है जब तुम हमारे साथ हो। चले जाओ यहाँ से वरना ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। तो क्या आपको पूरा यकीन है कि हम आपको आजाद करवा देंगे? हाँ, हमें पूरा यकीन है, हमें आप पर पूरा यकीन है। अब आप जल्दी जाइए, अरसी आपको महल के चोर रास्ते से बाहर निकाल देगी। जाइए यहाँ से। पर जाने से पहले आपको एक वादा करना होगा कि आप एक बार हमसे मिलने जरूर आएंगे। हम आपसे वादा करते हैं, हम आपसे मिलने जरूर आएंगे। लेकिन अभी जाइए यहाँ से, हम आपका इंतजार करेंगे। इंतजार करेंगे हम आपका। ये महल से जाने वाला चोर रास्ता है, आप इस रास्ते से चले जाइए। ये आपको औकाफ की सरहद के पार ले जाएगा और आपकी जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तुमने हमारी जान बचाकर जो एहसान हम पर किया है वो हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। एहसान कैसा, मैं तो एक मामूली सी कनीज हूं। शहजादी गुल ने आपकी जान बचाई है। हम आपके सहारे गुल को छोड़कर जा रहे हैं, आप उनका ख्याल रखिएगा। आप गुल की परवाह ना कीजिए, मैं आपकी अमानत को अपनी नजरों से दूर नहीं होने दूंगी। आप बेफिक्र होके जाइए। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। नसीब अपना सब आजमाते रहे, बड़े शौक से सर कटाते रहे। वो हुस्न की देवी थी जिसके लिए मर के सभी मुस्कुराते रहे। न भूलेंगे जिसको जमी आसमां, न भूलेंगे जिसको जमी आसमां। प्यार से किसी में कहा ये गुल और सुनोवर।
सरोवर की है दास्तां, ये गुल और सुमोवर की है दास्तां।